टाइगर क्रिकेट क्लब गिद्धाबाड़ी के तत्वावधान में डे नाइट शॉर्ट बाउंड्री प्रतियोगिता खेल का आयोजन गिद्धाबाड़ी के ईदगाह खेल मैदान में हुआ। खेल का शुभारंभ जिला परिषद सदस्य सह युवा कांग्रेस के राष्ट्र सचिव तौकीर आलम ने फीता काटकर किया। डे नाइट टूर्नामेंट में 16 टीमों ने भाग लिया, जिसमें कि प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से सकड़ेली, उचला, कठोतिया, सुजापुर, सीमापुर, नहरटोला, गेरवा, गरैया, डेबड़ा, बंका आदि जगहों के टीमों ने भाग लिया। इस डे नाइट शॉर्ट टूर्नामेंट शरीफगंज ने गरैया को 5 रनों से पराजित की। मौके पर विजेता टीम शरीफगंज को 4500 नगद के साथ ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, जबकि उप विजेता टीम गरैया को भी 3500 नगद के साथ ट्रॉफी भी दिया गया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य सह युवा कांग्रेस के राष्ट्र सचिव तौकीर आलम ने प्रखंड क्षेत्र से आए हुए खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ऐसे ही खेल के माध्यम से आपसी भाईचारा को हम बढ़ाने का काम करेंगे। आज के दौर में सही माने में जहां बच्चे से लेकर सभी लोग मोबाइल और दूसरे ऐसे चीजों से चिपके रहते हैं, जहां उसके खेल की बहुत जरूरत है, मानसिक जो तनाव है उसको लेके जहां खेलने की जरूरत है, वही देश भर में एक ऐसी चलन चल पड़ी है, एक दूसरे से नफरत का माहौल बन बैठा है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, अलग अलग नाम पे। लेकिन अगर खेल में खेल की एक खूबसूरती है, चाहे कोई जाति का हो, चाहे कोई धर्म का हो, चाहे कोई समुदाय का हो, चाहे काला हो, चाहे बुरा हो, अगर वो अच्छा खेल खेलते हैं तो हम उनको ताली मारकर उनका हिम्मत अफजाई करते हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि खेल के प्रति हमारा समाज जागरूक था, जागरूक है और जागरूक रहेगा, और जागरूक नहीं रहेगा तो आने वाले दिन हम सबको जागरूकता करनी पड़ेगी। ये गांव समाज का ये जो खेल है, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत है, कुछ सालों चल रहा था। हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे, क्रिकेट भी बड़े पैमाने पे वो वाले बॉल से खेलते थे, जिससे चोट भी लगती थी। लेकिन ये जो खेल है, इस खेल के माध्यम से जो मौसम है, इस मौसम के अनुरूप मैं देख रहा हूँ कटिहार के कस्बा कस्बा टोला टोला हर जगह खेल हो रहा है, और खेल के माध्यम से आपसी भाईचारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है और बात देने के लायक है। तो मैं बहुत ज्यादा और नहीं कहते हुए गिद्धाबाड़ी की पूरी टीम, जो भी आयोजक हैं, जिन लोगों ने आयोजित किया है, मैं देख रहा हूँ एक लंबी फहरिस्त है, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आए हुए तमाम मेहमान को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और जो टीम है, नौजवान टीम, उन्होंने जो दावत दी है उसके लिए दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ एक ही बात कह